जमा दादी दोस्तों, आपका दोस्त मोहित राघव आपके साथ जुड़ गया है फिर से आपके अपने चैनल क्रिकेटोलॉजी पर। पहली बार देख रहे हैं चैनल, अभी सब्सक्राइब कर दें और साथ में ज्वाइन कर लें मेरा टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक सबसे ऊपर वाले कमेंट में इसी वीडियो के दिया हुआ है। लिंक से क्लिक करना बेस्ट है, वरना फर्जी लोगों के चक्कर में आप आ सकते हैं जो आपसे पैसे की डिमांड रख सकते हैं अगेंस्ट प्रॉफिट। तो ऐसे लोगों के साथ ना जाएं, ओरिजिनल चैनल ज्वाइन करें, लिंक से बेस्ट है। बाकी @ मोहित क्रिकेटोलॉजिस्ट सर्च करके क्रिकेटोलॉजी के नाम से जो चैनल आएगा उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बस ध्यान रहे यही सर्च करें, इसके आगे अगर एक और टी आपने लगा दिया तो फेक चैनल पे पहुंच जाएंगे, तो इसके आगे कुछ ना लगाएं, बस @ मोहित क्रिकेटोलॉजिस्ट ही सर्च करें। ठीक, अब बात करते हैं हम, देखिए इस मैच की, पटना और यूपी। पहले कहानी पटना की, पटना का एक मैच हुआ, उन्होंने किस तरीके से धोया गुजरात को, देखने वाली बात थी। दूसरा मैच हुआ, जयपुर ने किस तरह धोया पटना को, देखने वाली बात थी। प्रॉब्लम क्या थी, जो मैच हुआ पिछले से पिछला, मतलब गुजरात के खिलाफ, पटना का रेड चला, डिफेंस चला, 4 में से 3 डिफेंडर ने हाई फाइव लगा दिया, 1 के 3 पॉइंट, रेडर मोनगोयत भी चले, प्रशांत रॉय भी चले, सचिन तंवर भी चले, मतलब पूरी टीम चली, इसलिए बड़ी जीत नसीब हुई। पिछले मैच में कोई नहीं चला, इसीलिए बड़ी हार नसीब हुई। दूसरी तरफ यूपी की अगर आप बात करें तो यूपी की टीम एक एवरेज चल रही है, सुरेंद्र गिल वापस आ गए तो टीम स्ट्रॉन्ग, प्रदीप नरवाल एवरेज खेल रहे हैं इस टूर्नामेंट में, उनका परफॉर्मेंस ठीक ठीक है। श्रीकांत जाधव ने अच्छे से संभाला हुआ टीम को, लिंच पिन है इस टीम की, श्रीकांत जाधव और शुभम कुमार, जो डिफेंस में शुभम ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और रेड में श्रीकांत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जबकि श्रीकांत बीच बीच में टैकल भी निकाल रहे हैं। नितेश आशुष और सुमित के रूप में 3 बढ़िया डिफेंडर भी इनके पास है, तो वेल बैलेंस टीम है, और वेल बैलेंस टीम भी है पटना पायरेट्स की। बात आ जाती है कि उस दिन पे, पर्टिकुलर डे पे कौन सी टीम कैसा खेलेगी, अगर मान लो प्रदीप सुरेंद्र को रोक पाएंगे। अब बात यही आ जाती है, रेडिंग में अगर यहां बात करें हम तो मोनू गोयत बढ़िया है, लेकिन मोनू गोयत का लेवल प्रदीप नरवाल या सुरेंद्र गिल जैसा नहीं। प्रशांत रॉय, सचिन तंवर यूटिलिटी रेडर हैं, बढ़िया रेडर हैं, लेकिन वो प्रदीप और सुरेंद्र जैसी जोड़ी नहीं बनाते। डिफेंस की बात करें तो दोनों टीमों का नेक टू नेक है बिल्कुल, ऑलराउंडर्स की बात करें नेक टू नेक है दोनों। तो रेड में कहीं ना कहीं यूपी योद्धा के पास है एज, इसीलिए इस मैच के जो मैच विनर है वो यूपी योद्धा रहने की संभावना अकॉर्डिंग टू माय प्रेडिक्शंस। तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि अगर मैच विनर पे पैसा इन्वेस्ट करना है तो आप यूपी योद्धा पे कीजिए। अब कहां करना है, कैसे करना है, वो पूरी जानकारी आपको चाहिए तो उसके लिए मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाएं, वहां प्रॉफिट प्लान 2022 के नाम से मैसेज पड़ा हुआ है पूरा एक, उसको पढ़ें, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाएं, आप पक्का प्रॉफिट में आ जाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। अब बात करते हैं इस मैच की फैंटेसी टीम की क्या हो सकती है, देख लेते हैं एक बार। डिफेंस में देखिए 4 डिफेंडर लेके जा रहा हूं मैं, नीरज, नितेश, सुमित, सुनील। तो नितेश और सुनील हो गए आपका, सॉरी नीरज और सुनील हो गए आपका पटना से, और नितेश और सुमित की जोड़ी हो गई यूपी योद्धा से। दोनों डिफेंडर ले लिए जो लीड डिफेंडर हैं। ऑलराउंडर्स में हाजी और मोनू, मतलब दोनों ऑलराउंडर मैं पटना से लेकर गया यहाँ पे, क्योंकि मोनू गोयत लीड रेडर है और हाजी है कॉर्नर डिफेंडर इनके, जो ऑलमोस्ट टैकल पॉइंट्स हर मैच में ले रहे हैं। तो श्रीकांत जाधव और शुभम पे ये दोनों भारी पड़ गए कहीं ना कहीं पिकिंग में, दैट्स व्हाई मैं हाजी और मोनू के साथ गया, एक अकेला रेडर सुरेंद्र गिल। अब देखिए ना तो प्रदीप को जगह मिली, ना मिली प्रशांत रॉय को जगह, ना मिली श्रीकांत जाधव को, तो थोड़ी रिस्की तो कॉम्बिनेशन हो गया, लेकिन मजबूरी है, क्या कर सकते हैं, क्योंकि अपने आप को टीम ऐसी बनानी है जो क्रेडिट ज्यादा दे। अब देखिए मान लो प्रदीप नरवाल का ही एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं इस टीम को, मैं किसी भी एक डिफेंडर को, सुनील को लेग से हटा देगी और सुनील को हटा के प्रदीप नरवाल ले लिया मैंने, ओके। प्रदीप नरवाल के पूरे सीजन में 2 सुपर 10 है, वो भी जैसे तैसे, अगर आप 14 मैच में 2 सुपर 10 आप लेकर जा रहे हैं तो आप इसका मतलब प्रॉपर टच में नहीं है, खासकर प्रदीप नरवाल के लेवल का आप रेडर अगर आप ढूंढ रहे हैं। अगर प्रदीप ने मान लो फिर से आपको 7-8 पॉइंट दिला दिए, तो 7-8 का मतलब हो गया कि अगर 8 के 8 टच पॉइंट भी हुए तो भी 56 पॉइंट। लेकिन अगर सुनील ने आपको 2 टैकल दे दिए और 1-2 में असिस्ट भी कर दिया तो भी आपको वही 56-60 पॉइंट वो दे जाएंगे, और ये भी नहीं लगाएगा लगेगा कि सुनील मैच में बहुत बढ़िया चले। लेकिन प्रदीप अगर आए, आउट हो गए और मैट पे चले गए, रिवाइवल हुआ नहीं हुआ या नहीं चल पाने की स्थिति में, क्योंकि प्रॉपर प्लानिंग डिफेंस करके आएगा
प्रदीप नरवाल के लिए, तो आप कहीं ना कहीं फंस जाएंगे, इसलिए मैं प्रदीप को मिस कर रहा हूं। अब बात आ जाती है प्रशांत रॉय की, तो बाकी जो प्लेयर्स मैं लेके जा रहा हूं मुझे ऐसा लगता है कि वो प्रशांत रॉय से ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, दैट्स वाई प्रशांत रॉय को मैंने मिस किया। श्रीकांत जाधव को मैं लेना चाहता था, यूटिलिटी है, लेकिन हाजी और मोनू दोनों क्या है, जान है पटना की, मैक्सिमम दो ऑलराउंडर हम सेलेक्ट कर सकते हैं, तो इसलिए इन दोनों को लेके जा रहा हूं। ये आपकी टीम होगी, और कैप्टन और वाइस कैप्टन पे बात आ जाती है। कैप्टन सुरेंद्र गिल है, ऑटोमेटिक चॉइस है, इसके साथ आपको छेड़छाड़ नहीं करनी है। वाइस कैप्टन की बात आ जाती है, आपके पास ऑप्शंस क्या है वाइस कैप्टनसी के लिए, आप मोनू गोयत को वाइस कैप्टन बना सकते हो, आप नितेश को वाइस कैप्टन बना सकते हो, आप हाजी को वाइस कैप्टन बना सकते हो। मैं पर्सनली प्रेफर करूंगा कि इस मैच का जो वाइस कैप्टन है वो मैं नितेश कुमार को बनाऊं, ठीक है, इसीलिए मेरा जो कॉम्बिनेशन वो गिल और नितेश का है, कैप्टन और वाइस कैप्टन का। आपको भी उम्मीद करता हूं यही बनाना चाहिए। ये बात होगी टीम की, थोड़ी बात कर लेते हैं प्रॉफिट की जाते जाते सॉरी कि कैसे ज्यादा प्रॉफिट को अपने को मैक्सिमाइज करा जाए। तो ये है कि भाई ड्रीम इलेवन से किसी को कोई लालच तो है नहीं, सब जगह खेल रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, आपको भी क्या करना है ड्रीम इलेवन पे खेलना छोड़ना है। खेलना छोड़ के क्या करना है, आपको शुरू करना है खेलना विजन इलेवन पे। विजन इलेवन एक ऐसी ऐप है जहां कॉन्टेस्ट एंट्री कम है, क्रेडिट का कोई इशू नहीं है, प्रॉफिट बढ़ जाता है जब एंट्री कम है तो। तीसरा आपका फायदा यह है कि यूजर बेस उतना नहीं है, तो 10-20% आपका कहीं ना कहीं विनिंग परसेंटेज बढ़ जाता है। तो ये कुछ फायदे हैं इस ऐप के जो आपको, जिनका आपको फायदा उठाना है। ड्रीम इलेवन पे खेलना छोड़िए, आपका कुछ अमाउंट अगर वहां है उसको विड्रॉ करिए, और विड्रॉ करके इधर आ जाइए, बेस्ट रहेगा आपके लिए, ठीक है। मेरी बात वीडियो में खत्म होती है, जाते जाते बता दूं कैसे ज्वाइन करना, नीचे जहां कमेंट पिन किया हुआ ना टेलीग्राम वाला, उसी कमेंट में लिंक दिया हुआ है विजन इलेवन का, क्लिक कर लो और डाउनलोड कर लो, गूगल से डाउनलोड कर दो, मेरा रेफरल कोड एमएस राघव लगा देना। बात खत्म, वीडियो खत्म, अगली मैच की वीडियो आ रही है, पीएसएल की आ चुकी है, देख लें। फिलहाल इजाजत, टाटा बाय बाय, जय माता दी।